आज आप लोग एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिल रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आप कहिएगा सर इतना बार आप इंपॉर्टेंट बोल दिए, उसकी इतने बार इंपॉर्टेंट बोलने का लॉजिक ये है कि पूरी केमिस्ट्री का जो बैकबोन है वो ये चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप ठीक से समझे तो इसके बाद आने वाला एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वो आपको ठीक से समझ में आएगा। इसके आगे आने वाला एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट है वो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, एक एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन रहता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वही रिएक्शन जब कभी भी होती है तो इलेक्ट्रॉन या तो दिया जाता है नहीं तो लिया जाता है और कहानी खत्म, इतना ही छोटा है। लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी आसानी से स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने लिख दिया है इतनी आसानी से ये चैप्टर खत्म होने वाला नहीं है। लगभग एक सवा महीना ये चैप्टर चलता है, इट विल टेक अराउंड 1.5 मंथ्स, डेढ़ महीना ये चैप्टर चलेगा। आज डेट नोट कर लीजिए, आज से स्टार्ट हुआ है, डेढ़ महीना तक ये चैप्टर आपका ऐसे ही चलता रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक चीज मार्क करिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसके अंदर जो हमारा पढ़ाई है इसको ना दो फेज में डिवाइड किया गया है। इसको किस में डिवाइड किया गया, दो फेज में डिवाइड किया है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। इसको हम लोग कितने फेज में डिवाइड किए हैं, दो फेज में डिवाइड किए हैं। एंड व्हाट इज द टू फेजेस, उसको ध्यान से देखिए। एक फेज है जिसको हम क्लासिकल फेज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फेज। अभी कुछ लिखिएगा मत जब तक हम नहीं लिखवा रहे। एक को बोलते हैं क्लासिकल फेज और एक को हम बोलते हैं मॉडर्न फेज। एक को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फेज कहते हैं, द अदर वन इज कॉल्ड एज मॉडर्न फेज, दूसरा वाला क्या है, मॉडर्न फेज। अब आप देखिए ये जो साल है 1930 से लेकर 34 तक, ये जो साल है इस साल के बीच में, ये जो साल है इसके बीच में ये विभाजन स्टार्ट हुआ। इसके पहले के लोगों लोग मतलब जो साइंटिस्ट थे उनका अलग मान्यता था और इसके बाद के जो साइंटिस्ट आए उनका अलग मान्यता था। इससे पहले जो साइंटिस्ट लोग आए उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 1808 में जब पहली बार कौन पैदा हुआ था, जॉन डाल्टन आए थे। इसकी पूरी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी है, जॉन डाल्टन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ रखा है। कहानी यहां से स्टार्ट होते हुए और कहां तक पहुंची है, 1930 तक। इसके अंदर कई सारे साइंटिस्ट जैसे जॉन डाल्टन आए, उसके बाद स्टोक्स आए, उसके बाद जे.जे. थॉम्सन आए, उसके बाद रदरफोर्ड आए, भोर आए, कई सारे साइंटिस्टों ने, भोर का आपने एटॉमिक मॉडल, ये सब तो आप क्लास नाइन्थ में पढ़े भी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं पढ़े हैं, हाँ, गोल्डस्टाइन थे, जेम्स चैडविक थे, कई सारे साइंटिस्ट का नाम तो ऑलरेडी आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। ये सारे लोग जो कि पार्टिकल नेचर मानते थे, किसको, एटम और उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या मानते थे, पार्टिकल मानते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट जिनकी जिनका नाम है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डी ब्रोगली, क्या नाम है, डी ब्रोगली, ये जो साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रोगली, ये जैसे ही आए इन्होंने क्या किया, पूरे कहानी को ध्वस्त कर दिया। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच का जो बैरियर है वो डी ब्रोगली ने तोड़ा और कहा कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि एटम जो है वो, और अच्छा इसके बीच में कुछ साल ऐसे भी थे जहां दोनों फेज ऑफ साइंटिस्ट के बीच में लड़ाई भी चल रही थी। एक लोग कह रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पार्टिकल है, और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वेव है। एक लोग कह रहे हैं उसको क्या है, पार्टिकल है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, वेव है। और इनके बीच में लड़ाई, श्रोडिंगर नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने तो बाकायदा वेव का इक्वेशन दे दिया। ऐसे करके दोनों साइंटिस्टों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी तो डी ब्रोगली आए और इन्होंने फिर उनके प्रॉब्लम को क्या किया, शॉर्ट आउट किया
और फिर इसके बाद हमें पता चला कि आज तक मतलब टिल टुडे कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जिसने इलेक्ट्रॉन को अपने आंखों से देखा है। पढ़ाई तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आज तक किसी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को अपने आंख से देखा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस में नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक धुआं है, एक हवा है। तो उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो जितना आसान आपने पढ़ के रखे हुए हैं क्लास नाइन्थ के लेवल पे, उतना आसान स्ट्रक्चर ऑफ एटम है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है। और लोग तो यहां तक भी रिलेट कर रहे हैं कि जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम के अंदर है उतना ही कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स है, और दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे यूनिवर्स में जिस तरह से सारी चीजें बैठी हुई हैं, आपने नाम सुना होगा, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा भी है कि इसको सोलर सिस्टम मॉडल बोलते हैं, कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसको हमने सन मान लिया और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों तरफ प्लैनेट जैसे घेरा गोल घूमते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो उसके पढ़े थे ना क्लास नाइन्थ में ये वाला मॉडल, तो यूनिवर्स से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है आज के दिन में। और सच में यूनिवर्स के साथ कंपेयर करने पर बहुत सारी सिमिलैरिटी भी पाई जा रही है। और लोग कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जैसे एटम है से मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वैसे ही क्या है, यूनिवर्स है, और दोनों ही समान है। इसमें भी बोलते हैं कि 90-95% स्पेस जो है वो खाली है, और यूनिवर्स का भी 90-95% स्पेस जो है वो क्या है, खाली है। तो काफी समानताएं हैं। तो लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप एटम के अंदर एटम को ठीक से अगर आप पढ़ लेंगे तो आप यूनिवर्स के बारे में भी उतना ही जानकारी हासिल कर लेते हैं जितना आप एटम के बारे में जान रहे हैं, और सारा कॉस्मोस की एनर्जी से ही रिलेटेड है। खैर, उतना ऊपर जाने से पहले मैं वापस से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आता हूं, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। राइट, सबसे पहली बात जो आप लिखेंगे वो लिखिए, द आइडिया दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट, द आइडिया दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट इज वेरी ओल्ड, इज वेरी ओल्ड एंड वॉज लिंक्ड विथ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट इज वेरी ओल्ड एंड वॉज लिंक्ड विथ द एंशियंट कल्चर सच एज ग्रीस एंड इंडिया। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन साइंटिस्ट से हम लोगों ने इसके बारे में जानना स्टार्ट किया, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो मॉडल है, ये जो मॉडल बना है, इस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि ये जो मॉडल पहली बार बना था, ये मॉडल बनाया गया था ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा और इंडियन फिलोसोफर एंड महर्षि कनाडा, आपने उनका नाम भी सुना होगा, क्या नाम था, महर्षि कनाडा, कनाडा का नाम सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट द नेम ऑफ महर्षि कनाडा, कनाडा के बारे में आप सुने हैं नहीं सुने हैं, सुने हैं महर्षि कनाडा के बारे में। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड एज अर्ली एज 400 BC बाय इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हु वेयर इन द व्यू दैट एटम वेयर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। ये बात बहुत पहले, काफी पहले 400 BC में, 600 BC में किसने बता दिया था, महर्षि कनाडा ने, और ग्रीक फिलोसोफर उसका नाम क्या है, डेमोक्रेटस, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में पहले ही बता दिया था। और जो शब्द आए अणु परमाणु, ये सब शब्द तो बहुत पहले से दिया हुआ है महर्षि के द्वारा, कनाडा ऋषि के द्वारा। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि जब तक कोई चीज वेस्ट जिसको जब तक अप्रूव नहीं करती है, तब तक वेस्टर्न साइंटिस्ट जब तक किसी चीज को अप्रूव नहीं करते हैं, तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर भी वही हुआ, जब तक कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी नहीं आई 1808 में, तब तक लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो उसके बाद जॉन डाल्टन ने जब साइंटिफिकली प्रूफ किया 1808 में, उसके बाद फिर लोग उसको क्या करने लग गए, एक्सेप्ट करने लग गए। तो ये जो आइडिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट, ये पहली बार जॉन डाल्टन ने नहीं दिया, जॉन डाल्टन ने 1808 में साइंटिफिकली कुछ बताया,
पर उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस बात की चर्चा की थी, पर जब तक वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न साइंटिस्ट किसी चीज को अप्रूव नहीं करते हैं तब तक हमारे इस धरती की एक खास बात है कि वो उसको मान्यता नहीं देता है। कोई भी, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को ही ले लें, जब वो गए शिकागो वहां पर जीरो पर उन्होंने भाषण दिया और तब जब इंडिया आए तो उनका लोग पूजना स्टार्ट किए। पहले लोग नहीं पूज रहे थे, पहले क्या, हाँ ठीक है तो झोला छाप आदमी है, इधर उधर घूम रहा है। बाबा रामदेव को देख लीजिए, विदेश गए, विदेशों में जब उनका नाम होने लग गया वहां योगा सिखा दिया, जब वापस आए देखिए यहां पर इतनी बड़ी कंपनी खोल दी कि मल्टीबिलियनर कंपनी हो गया। अब धर्मेंद्र शास्त्री जी को देखिए, अभी जो नए यंग बाबा आपने देखा होगा उनको, बागेश्वर धाम, उनको देखिए, जब तक विदेश नहीं गए थे तब तक कोई ज्यादा पूछ नहीं थी, जब अमेरिका यूरोप में जाके वो चमत्कार दिखा दिए, उसके बाद इंडिया आए हैं, देखिए बाबा का धाम इतना बढ़िया एकदम चल रहा है हनुमान जी की कृपा से। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई चीज नहीं अप्रूव होके इंडिया आती है तब तक हम लोग उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब जो पहली थ्योरी है दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसको लिखने से पहले आप एक लाइन और ऐड करें, फुल स्टॉप, हां उसके आगे लिखिए, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस क्वाइंड द वर्ड एटम, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस DEMOCRITUS डेमोक्रेटस, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस क्वाइंड द टर्म एटम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस। अब इन्होंने ये जो एटम वर्ड है इसको एक ग्रीक वर्ड एटमॉस से क्या किया, डिराइव किया, और ये जो एटमॉस वर्ड है उसका मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल। इसका क्या मतलब होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल कहते हैं। और उसका मतलब वो कहां से ये मतलब डिराइव हुआ, ये ग्रीक वर्ड है एटमॉस, एटमॉस का मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल, और यहीं से एटम का नाम क्या पड़ा, एटम पड़ा। जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम शब्द पढ़ रहे हैं, जो वर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एटम का शब्द है, ये क्वाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, डेमोक्रेटस था, जिन्होंने ग्रीक वर्ड एटमॉस से इसको क्वाइन किया, और एटमॉस का मतलब क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। पर जब इन्होंने ये बात कही थी उस टाइम तो ये ठीक था, पर क्या आज भी हम एटम को नहीं तोड़ सकते हैं, एटम के अंदर हम चले गए ना, देर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देर आर सो मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें से आप एक आध का नाम जानते हैं, कौन कौन, आप इलेक्ट्रॉन जानते हैं, आप प्रोटॉन जानते हैं, आप न्यूट्रॉन जानते हैं, पर देर आर मेनी मोर देन 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर 10 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज के दिन में प्रेजेंट है। पर जिस टाइम पे इन्होंने ये बात कही थी उस टाइम पे हम क्या मानते थे, कि एटम्स क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर, चलिए आगे लिखिए, फुल स्टॉप। हाउएवर दे कुड नॉट फॉरवर्ड एनी थ्योरी टू सपोर्ट दिस, हाउएवर दे कुड नॉट सपोर्ट एनी थ्योरी फॉरवर्ड एनी थ्योरी टू सपोर्ट दिस दे कुड नॉट फॉरवर्ड एनी थ्योरी टू सपोर्ट दिस दे कुड नॉट फॉरवर्ड एनी थ्योरी टू सपोर्ट दिस तो उसके बाद कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई जो इसको सपोर्ट कर सके। तो उसके बाद महर्षि कनडा का भी नाम आता है, महर्षि कनडा लिखिए, महर्षि कनडा इन कंटेम्पररी, महर्षि कनडा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, महर्षि कनडा कंटेम्पररी टू डेमोक्रेटस has given the word such as Anu and Parmanu. The Maharishi Kannada
एन इंडियन फिलोसोफर, वो भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, महर्षि महर्षि कन्नड़ एन इंडियन फिलोसोफर हैड गिवन अ वर्ड सच एज अनु एंड परमाणु, अनु एंड परमाणु, अनु एंड परमाणु, अनु एंड परमाणु, विच मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, विच मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, विच मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो इन्होंने दो शब्द दिया, एक शब्द क्या ना, एक वन वॉज अनु एंड अदर वॉज परमाणु. परमाणु आपने सुना होगा, परमाणु का नाम सुना है, बम जो बनता है उसको परमाणु बम बोलते हैं. परमाणु बम मतलब एटम बम. एटम बम का हिंदी क्या होता है, परमाणु बम, यानी परमाणु विस्फोटक. तो ये जो परमाणु शब्द है वो वहीं से आया है, और ये आज का दिया हुआ नहीं है, महर्षि कन्नड़ा ने लॉन्ग बैक दिया 600 बीसी के आसपास. ये किस एरा में थे, 600 बीसी के आसपास इनका सारा थ्योरी था, पर लोग फिर उसके पीछे पड़े नहीं, और उससे फिर फर्दर चीजें क्वाइन नहीं हुई, कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं आई, जिसकी वजह से फिर इनको बहुत ज्यादा टूल नहीं मिला. नहीं तो हमारे ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं ऐसी, जो लोग आज भी उसको ढूंढ रहे हैं. और अब वेस्टर्न जो हमारा सिविलाइजेशन है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, वो संस्कृत में जितने यूनिवर्सिटी यूरोप में उससे कम यूनिवर्सिटी इंडिया में है. और वो लोग का मानना है कि यहां पर जो ज्ञान है उस ज्ञान के सामने तो हमारा वेस्टर्न साइंस या यूरोपियन साइंस या ब्रिटिश साइंस बहुत छोटा है. इन लोगों के पास तो बहुत ज्ञान है. आप देखिए तुलसीदास जी ने 1400 ईस्वी में क्या लिखा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योता ही मधुर फल जानू. सुने हैं हनुमान जी का जो चालीसा है उसमें एक चौपाई है जहां लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योता ही मधुर फल जानू. युग अ यूनिट ऑफ लेंथ, जिसको हम लेंथ का यूनिट मानते हैं, युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन, इसको मल्टीप्लाई जब किया गया, एग्जैक्टली इट केम आउट टू बी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. अब ये वेस्टर्न साइंस अब जाके कैलकुलेट किया है 1900 ईस्वी में कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ, और 1400 ईस्वी में तुलसीदास जी ने दोहे में इसको लिख दिया था कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु जो है वो युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन को मल्टीप्लाई करिएगा, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस निकल के आएगा जो वेस्टर्न साइंस ने 19th सेंचुरी में जाके पता किया है. तो हमारी जो किताबें हैं या हमारे जो संस्कृत के वेद हैं पुराण हैं उनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो तो काफी एडवांस्ड हैं. बस यही बात है कि हम लोगों को इससे वंचित रखा गया. आप देखिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, संस्कृत क्या है, आपको संस्कृत पढ़ने दिया गया, आपको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया. संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट बना के रख दिया गया है कि 8वां तक किसी तरह उसको पढ़कर पास कर जाना है, उसके बाद आप संस्कृत छोड़ दीजिए. या जो लोग थोड़े संस्कृत में अच्छे हैं वो 10th तक भी किसी किसी स्कूल में, डीएवी जैसा स्कूल है जो संस्कृत को थोड़ा बचा के रखा हुआ है, तो बाकी जगहों पर संस्कृत 8 तक ही पढ़ना है, उसका संस्कृत आपको पढ़ना नहीं है. क्यों ऐसा किया गया, सोच के देखिए क्यों ऐसा किया गया. इसका कारण है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बोलते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है. अगर आप शिक्षित होंगे तो आप आवाज उठाएंगे. आप मान लीजिए कोई मोबाइल अपना ठीक कराने गए, आप गए मोबाइल लेके, बोले भैया ये मोबाइल हमारा खराब हो गया है थोड़ा ठीक कर दीजिए. तब मोबाइल जब आप उसको दिए ठीक करने के लिए, तो उसे बोला अच्छा ठीक है भैया हम देखते हैं, देख के आपको बताएंगे, तो फोन नंबर अपना लिखवा दीजिए. चले गए आप, वो देखा कि एक तो छोटा सा रजिस्टर है 5.5 रुपया उसका दाम है, उसको चेंज कर देंगे, चाहे तो डायोड बदलेगा या छोटे ज्यादा कैपेसिटर 45 रुपया का बदलेगा, इतना बदल देने से उसका काम हो जाएगा डन. लेकिन आपको फोन करके क्या बोला, हाँ भैया 2500 के आसपास का खर्चा आएगा. तो आप भी बोले ठीक है, अब डेड पड़ा हुआ भाई उसको जैसे सही कर दीजिए, कहा कि आज बिना मोबाइल के तो किसी का काम चल रहा है, काम तो नहीं चल रहा है. आपने कहा ठीक है 2500 लगा दीजिए. उसको लगा कितना, 4 नट खोला, 1 रजिस्टर बदला, 1 कैपेसिटर बदला और उसको बंद कर दिया. आप अगर ज्ञानी हैं, आप गए उसके पास शाम में जब लेने बुलाया मोबाइल, क्या हुआ था भैया, तू बताएगा ना कि भैया अरे एक तो डायोड ये हो गया था, एक तो रजिस्टर खराब हो गया था, तो कैपेसिटर, हम बोले कैपेसिटर का कीमत तो भैया 45 रुपया है, डायोड देता है 10 रुपया में, रजिस्टर देता है 5 रुपया में, सब जोड़ दीजिए तो भी 60-70 रुपया हुआ, 2500 क्या चीज का लिए. अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप उसको पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो आपको कहेगा अच्छा ठीक है भैया हटाइए ना, आप 300 रुपया दीजिए जाइए ले जाइए. लेकिन अगर आप ज्ञानी नहीं है तो आपसे वो कितना ले लेगा,
इक्का दस भी ले सकता है, 500 का 5000 भी ले सकता है। कब ले पाएगा? जब आपके पास ज्ञान की कमी है। ठीक यही चीज इवन डॉक्टर्स के साथ भी अप्लीकेबल होता है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, कहा डॉक्टर हॉस्पिटल साहब आपका जो हार्ट है और 95% ब्लॉकेज है, अब अगर आप नहीं ऑपरेशन कराइएगा तो आप कल मर जाइएगा। आप घबरा गए। जहां डर वहां पैसा, जहां डर वहां पैसा, आप घबरा गए। आपको उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन आप खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। कहेंगे देखें थोड़ा रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट में दिखाएगा कितना परसेंट ब्लॉकेज है, क्या है, सारा पढ़ लिए। देख रहे यार ये तो 65% ब्लॉकेज है। 65% ब्लॉकेज पर ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। आदमी अगर थोड़ा चल बोल करे, थोड़ा दौड़ भाग करे तो वो गल जाता है और जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। कब? जब आप पढ़े लिखे हैं। हम नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई मान लीजिए धोती पहना है, उसको उतना आइडिया नहीं है, जो गरीब है गांव का है, उसके पास गया बोला अब भी ऑपरेशन नहीं किया तो गया आपका आदमी, कल ले निकल जाएगा, बचने का कोई उपाय नहीं होता। नहीं होता, सच बताइए, होता है ना? आपके पास नॉलेज की कमी है तो आपको कोई धूर बना सकता है, अगर आपका नॉलेज हो तो आपको कोई धूर नहीं बना सकता है। संस्कृत की पढ़ाई इसीलिए बंद करा दी कि तुम ज्यादा संस्कृत पढ़ लोगे तो वहां पर नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा तो तुम बोलोगे, नॉलेज नहीं है नहीं बोल पाओगे। अभी आप लोगों के पास संस्कृत का कोई ज्ञान है? आपको क्या पता ब्रह्मांड कहां है, कहां ये है, पर सारी चीजें ऑलरेडी दी गई हैं। कितने लोक हैं यहां से लेकर स्वर्ग लोक तक में, कितने लोक हैं उसके बारे में तक दिया हुआ है। अब पहली बार 2020 में लोगों को पता चला कि एक यूनिवर्स नहीं है, देर आर एक से ज्यादा यूनिवर्स, अभी 2020 में पता चला है। हमारे पुराणों में कब के लिखा हुआ है कि एक यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स है, यहां तो दो वो भी नहीं, बहुत सारे, एग्जैक्ट गिनती लिखी हुई है कि कितने यूनिवर्स हैं। और अभी इनको पता चला है कि एक नहीं दो यूनिवर्स है, मिनिमम दो हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं पर मिनिमम दो हैं। तो अभी तो वो लोग रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत के श्लोक के ऊपर कि भाई इससे कुछ ज्ञान हम लोग निकाल सके। हमारे यहां संस्कृत को सबसे हे नजर से देखा जाता है, सबसे बेकार नजर से देखा जाता है। संस्कृत ये कौन पढ़ता है, ये तो पूजा पाठ करने वाला पंडित जी का काम है संस्कृत पढ़ना, ऐसे हमारे मन में भावना है संस्कृत के लिए। जबकि आपको जान के एक और बात से आश्चर्य होगी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जब सारे विश्व के भाषाओं को लाकर, जब यहां से हम लोग सिग्नल भेजना स्टार्ट किए ना आउटर यूनिवर्स में, तो सिग्नल जब भेजे तो सिग्नल कैसे भेजेंगे, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसी को भेज सकते हैं। तो सारी भाषाओं को अलग अलग लैंग्वेजेस में जब हमने सिग्नल भेजना स्टार्ट किया तो आपको जान के आश्चर्य होगा जो सबसे कम, माने जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ था किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, संस्कृत का एक छोटा सा वर्ड लिया उसका जो वेवलेंथ निकला उससे भी कम निकला। और यही कारण है कि हमारे जितने भी श्लोक हैं वो सारे किसमें हैं, संस्कृत में। और लोग बोलते हैं जब आप संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्रोच्चारण तेज से करना चाहिए क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि ये ज्यादा दूर तक जा पाता है। खास करके ओम जब आप प्रनाउंस करते हैं तो ये इतनी दूर तक जाता है कि इसके चांसेस हैं कि वो इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स के पास तक भी जा सकता है। तो संस्कृत की तो इतनी मतलब महत्ता है। और उसी संस्कृत शब्द में उन्होंने अणु और परमाणु शब्द का प्रयोग किया। किसने? महर्षि कन्नड़ ने। लेकिन मैं खुद भी बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा हूं कि मुझे आपको क्या पढ़ाना पड़ रहा है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ानी पड़ रही है, न कि महर्षि कन्नड़ की एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रहा हूं। खैर, जो हमारे सिलेबस में है वही पढ़ाना है, कर भी क्या सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। महर्षि कन्नड़ ने अणु और परमाणु शब्द दिया जिसका मतलब एटम और मॉलिक्यूल होता है। डन यहां तक। अब ये फिर फर्दर तूल नहीं पकड़ा, या फिर जो लोग किताब छाप रहे हैं उन्होंने इनकी थ्योरी ना छापी। किसकी थ्योरी छापी? डाल्टन की थ्योरी छापी। और हमें क्या पढ़ना है? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है। तो खैर चलिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, तो आप हेडिंग डालिए, एटॉमिक थ्योरी लिखवा चुके डाल्टन की। क्या है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बताइए, व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोलिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है। बहुत सारी थ्योरीज लिखवाई हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दो ही बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दो ही हैं। खैर यहां पर लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो तब भी सही थी और आज भी सही है, वो पता है क्या है? क्या? एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये बात तब भी सही थी और ये बात आज भी सही है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और दोनों के चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, जिसकी वजह से एटम जो है वो तब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और आज भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये एक बात सत्य है। और दूसरी बात,
जो सबसे छोटी इकाई है जो रिएक्शन में टेक पार्ट लेती है वो तब भी एटम था और आज भी क्या है, एटम है। कोई एटम ही है जो सबसे छोटी इकाई है जो रिएक्शन में टेक पार्ट लेती है। तो एक बार जस्ट देख लेते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम दैट आर इनडिविजिबल, तो सारे एटम से बने और वो इनडिविजिबल है, इनडेस्ट्रक्टिबल, तो ये बात गलत हो गया। खैर, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रोपोजिशन, ये भी बात गलत हो गई, हमने आइसोबार आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है। इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो कई सारी बातें वहां है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो ये सारी बातें भी हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एंड लास्ट है, इट रिगार्ड्स द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ठीक उसके नीचे आप देखिएगा, ठीक उसके नीचे आप देखिएगा लिखा हुआ है ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। तो इस थ्योरी का क्या क्या ड्रॉबैक है, तो वैसे तो बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में थ्योरी का ड्रॉबैक पढ़ा है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, जबकि इससे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है वो उसको हम लोग देख लेते हैं। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और एबोनाइट रॉड विच रब्ड विथ सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो आपने देखा कि जब आप दो चीजों को रब करते हैं तो एक यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी एस्टैब्लिश्ड दैट एटम आर मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अ कॉन्सेप्ट दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं बताई, और उन्होंने कहा कि ये जो एटम है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये इनडिविजिबल है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे जे थॉमसन, जैसे जेम्स चैडविक, जैसे रदरफोर्ड, जैसे ई गोल्डस्टाइन, ये कुछ साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कब, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का एंड मतलब 1800 ईस्वी, 19th सेंचुरी का एंड मतलब 1800, कहानी जो है वो थोड़ी स्टार्ट हुई है 1869 से और ये बात हो रही है 1919 के बीच में। इस बीच में कुछ साइंटिस्ट लोग आए और जिन्होंने हमें यह बताया कि भाई एटम जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इसके बाद हमने एटम, जो एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया था, उसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन नेट 100 साल लगा है इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने में। साल क्या है, 1808। और आपने इस थ्योरी को कब डिस्कार्ड की, पहली थ्योरी जो आई है इसके बाद वो किसकी थ्योरी थी, जे थॉमसन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, और एक और नाम है उस मॉडल का, नाम सुने हैं जे थॉमसन, पढ़े हैं ना क्लास 9th में, प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल में 100 साल लग गया, 1906 में ये मॉडल आके तैयार हुआ। कौन सी साल में, 1906 में, और जो पहला मॉडल था वो कब था, 1808 में, 1808 से 1906, लगभग 98 ईयर्स, 100 साल लग गए लोगों को ये चैलेंज करने में कि डाल्टन जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, उन्होंने जो मॉडल दिया है वो सरासर क्या है, गलत है। होता है ना कई बार कोई बहुत बड़ा अधिकारी होता है तो उसके सामने अगर वो गलत भी कर रहा है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, कैसे, अब मानिए कोई क्लास में पढ़ा रहा है, हो सकता है टीचर गलती कुछ बोल दे, तो आपको हिम्मत होगा कि बोल दें कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे आप। तो ऐसे भी ये साइंटिस्ट लोग भी अपने इतने सीनियर साइंटिस्ट जो कि मर गए थे उस टाइम पे, तो उसके बारे में बोलने में बहुत डर रहे थे, लेकिन धीरे 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 साइंटिस्ट लोग एक्यूमुलेट हुए। आप ही बोले गलत पढ़ा रहे हैं, तो 4-5 बच्चा मिलकर एक दिन आया मेरे को बोला, सर क्या अंड बंडा पढ़ाते रहते क्लास में, सब गलती है, झूठ मूठ के गलत सलत पढ़ाते रहते। तो फिर आप अप्रोच किए, अप्रोच करके फिर आपने एक नई थ्योरी देने की कोशिश की, डन। तो आप लिखें इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, पहले आप ये थ्योरी हम लोग थोड़ा बाईपास कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोग लिख चुके थे, मैंने समझा दिया है, आप बस उसके नीचे लिखिए द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट। द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर
वॉज इंडिकेटेड क्वाइट अर्ली. द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर वॉज इंडिकेटेड क्वाइट अर्ली. क्वाइट अर्ली. क्वाइट अर्ली. The electrical nature of matter was indicated quite early. Quite early. Quite early. आगे लिखे. In the form of frictional electricity. In the form of frictional electricity produced by rubbing glass. Frictional electricity. Produced by rubbing glass or ebonite rod with silk or fur. Ebonite rod produced by rubbing glass or ebonite rod. By rubbing glass or ebonite rod with silk or fur. और साइंटिस्ट जिसको इसका क्रेडिट जाता है वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? What is the name of the scientist जिसको इसका क्रेडिट जाता है? साइंटिस्ट है 1830 में माइकल फैराडे. लिख लीजिए माइकल फैराडे. इन द ईयर 1830. तो जो साइंटिस्ट 1808 के बाद कोई साइंटिस्ट जो इसके ऊपर कुछ चर्चा कर पाए उनका नाम क्या था? माइकल फैराडे. और साल कौन सा था? 1830. तो लिख दीजिए इन 1830 माइकल फैराडे एबनाइट रॉड विथ सिल्क और फर. विथ सिल्क और फर. अरे तो थोड़ी देर पहले भी बताए थे आपको. फुल स्टॉप. इन 1880 माइकल फैराडे इन 1830 माइकल फैराडे शोड दैट केमिकल चेंजेस ऑकर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. Chemical changes occur when electricity is passed through an electrolyte. Full stop. He was the first scientist to establish a relationship between. He was the first scientist to establish a relationship between. Electricity. Electricity and matter. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर. मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले ये पहले साइंटिस्ट हुए 1830 में. तो क्रोनोलॉजी भी समझते चलिएगा. क्रोनोलॉजी मतलब समझ रहे ना, समय के अनुसार. सबसे पहले 1808 जॉन डाल्टन. 1808 के बाद अगले साइंटिस्ट माइकल फैराडे 1830. दो साइंटिस्ट और हैं उसके बाद कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ. एक साइंटिस्ट का नाम था 1874, उससे पहले 1869 जिसका नाम था स्टोक्स. 1869 में स्टोक बोल के एक साइंटिस्ट थे, यानी क्रूक बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रूक्स ग्लास ट्यूब बनाया. तो 1869 जिस साल गांधी जी का जन्मदिन हुआ. गांधी जी का पैदाइश कब का है? 1869 का. 1869 में उन्होंने क्रूक्स का एक ग्लास ट्यूब बनाया था. क्रूक बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रूक्स ग्लास ट्यूब बनाया था. पूरा का पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, सारा जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो उत्पत्ति है उसको पता करने के लिए जो ट्यूब यूज किया था वो ट्यूब बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्रूक था. CROOK. और साल कौन सा है? साल है 1869. साइंटिस्ट का नाम है क्रूक. तो ये क्रूक नामक साइंटिस्ट ने हम लोगों को क्या बताया? ये क्रूक नामक साइंटिस्ट ने वो ग्लास ट्यूब दिया जिस पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, जिस पे एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ.
क्लियर। फिर 1874 में जी जे स्टोनी बोल के एक साइंटिस्ट आए, जी जे स्टोनी लिखवा दूंगा अभी, लिखना नहीं, क्या नाम है, जी जे स्टोनी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि जिस इलेक्ट्रिसिटी की बात माइकल फैराडे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो उस टाइम उनको पता नहीं था कि कोई एक चीज है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इतना नहीं पता था। पर उनको इतना पता चल गया था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे से छोटा पार्टिकल इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्लास को और फर को आपस में रगड़ रहे हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, तो अगर इसमें चार्ज इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं कोई चीज यहां से यहां आ रही होगी, और अगर कोई चीज यहां से आई है तो वो बहुत छोटा कोई पार्टिकल है जो कि एटम तो नहीं है। तो एटम अगर इधर से इधर आएगा तो पूरा का पूरा मास ही इधर बढ़ जाना चाहिए, इधर घट जाना चाहिए, पर जो मास का चेंज था वो बहुत कम था, लेकिन जो बॉडी थी वो चार्ज हो गई। तो कोई बोले कुछ तो एक चार्ज है जो इधर से इधर आ रहा है और इसको नेगेटिवली चार्ज कर दे रहा है। तो अभी इनको पता नहीं था उसको क्या कहते हैं या कौन से एक्सपेरिमेंट से इसकी उत्पत्ति होगी, पर इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई नहीं थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पर कहें कि जो भी ये नेगेटिव चीज है इसका नाम क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। ऐसा होता भी, हमारे घर वगैरह में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा किसी, मान लीजिए महिला को अभी बच्चा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, एक दो महीना बाकी है, सातवां आठवां महीना चल रहा है, तो जो बूढ़े बुजुर्ग घर के रहते हैं, दादी लोग रहेगी या नानी लोग रहेगी, तो बता देगी कि बेटा होने वाला है कि बेटी होने वाला है। आपने मार्क किया होगा ये बात, वो पेट देख के या उसका जो डिजाइन है देख के बता देगी कि बेटा होगा कि बेटी होगी, और होगा होगी वो छोड़ दीजिए, पहले से ही नाम भी सोचने लग जाते हैं कि अरे अगर बेटा होगा तो फलानवा नाम रखेंगे, बेटी होगी तो फलानवा नाम रखेंगे, होता है ना अपने घर में ऐसा देखा होगा। तो अभी वो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नामकरण पहले हो गया था, इलेक्ट्रॉन का उत्पत्ति से पहले ही इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिया गया था, और वो जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, नेमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू जी जे स्टोनी इन द ईयर 1874। तो अभी चार पांच साइंटिस्ट का नाम आया, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन 1808, उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए माइकल फैराडे 1830, इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1869, जिस साल महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ, जन्म था, जन्म साल जो है उसी से उसको याद रखना है 1869। क्रूक्स का ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, क्रूक्स का ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझाएंगे अभी आपको हम कि क्या है क्रूक का ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद फिर 1874 में जी जे स्टोनी ने ये जो शब्द है इलेक्ट्रॉन इसका नामकरण किया। डन, इस बातों को आपको लिखना है। राइट, द टर्म इलेक्ट्रॉन वॉज गिवेन बाय जी जे स्टोनी, द टर्म इलेक्ट्रॉन वॉज गिवेन बाय जी जे स्टोनी इन द ईयर 1800, इन द ईयर 1874, जी जे स्टोनी जी जे स्टोनी जी जे स्टोनी डन। आगे लिखिए, जे जे थॉमसन इन द ईयर 1885 स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द सब एटॉमिक पार्टिकल। जे जे थॉमसन इन द ईयर 1885, अगेन साल वेरी इंपॉर्टेंट है, 1885 याद रखिएगा, 1885 में जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था 1885 में।
1885 में जेजे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। जेजे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। डन। तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज जेजे थॉमसन, जेजे थॉमसन। और उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो ग्लास ट्यूब यूज किया था, जो एक ट्यूब के अंदर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, आपको याद होगा आपके टीचर ने इस प्रकार का एक ट्यूब बनाया होगा जब आप क्लास 9th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो इस तरह का एक ट्यूब बनाया होगा जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये ट्यूब बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है किसको, दैट गोज टू विलियम क्रूक। लिखिए कहां तक लिखा है, फुल स्टॉप। The experiment was conducted. The experiment was conducted inside a glass tube. Inside a glass tube. Invented by William Crook. WILLIAMCROOKS, William Crookes। साइंटिस्ट का नाम क्या था, William Crook। साइंटिस्ट का नाम है William Crook। साइंटिस्ट इज William Crook। साइंटिस्ट इज William Crook। William क्रूक्स। साल कौन सा है, 1869। तो क्रोनोलॉजी मेरे ख्याल से क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो क्रोनोलॉजी बेस्ड ही आता है, माने जहां पे आपसे साल पूछ ले कि किस साल में क्या हुआ, किसने क्या किया, वो क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1808 जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद 1830 माइकल फैराडे रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके ठीक बाद 1869 विलियम क्रूक, दैट क्रूक्स का जो ट्यूब बनाया, उसके बाद 1874 जीजे स्टोनी, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा कि कोई एक जरूर पार्टिकल है जो एक तरफ से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है और दूसरी बॉडी को कैसे कर दे रही है, नेगेटिवली चार्ज्ड कर दे रही है, और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने पहले ही क्या दे दिया, स्टोनी दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जीजे स्टोनी। और 1974 में उन्होंने नाम दिया और एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करना स्टार्ट किया, कब, 1885 में। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज वॉट, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। लिखिए द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उससे पहले एक मिनट एक दो एक बातें और लिखिए, ये आपने लिख लिया, ये कहानी लिख ली, अब आप लिखिए डिस्चार्ज ट्यूब, सिर्फ आप लिखिए डिस्चार्ज ट्यूब, हेडिंग डालिए डिस्चार्ज ट्यूब, हेडिंग डालिए डिस्चार्ज ट्यूब। विलियम क्रूक इन द ईयर 1869, विलियम क्रूक इन द ईयर 1869, विलियम क्रूक इन द ईयर 1869, विलियम क्रूक इन द ईयर 1869 हैज कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स and studied, conducted several experiments and studied the conduction of electricity through gases at low pressure, conduction of electricity through gases and low pressure। तो देखिए क्या किया बेसिकली उन्होंने, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक इस तरह का डिस्चार्ज ट्यूब लिया, बाद में चल के इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब पड़ा, और जब इसके अंदर इन्होंने इस तरह से कुछ दो प्लेट्स लिए, एक को
बाद में चल के एनोड और दूसरे को बाद में चल के कैथोड ऐसा नाम दिया गया। ये इस तरह से कुछ नाम उनका दिया गया एनोड और कैथोड के नाम पे, इसका नाम दिया गया, एक को एनोड बोला और एक को कैथोड बोला। और इसको जब उन्होंने इस तरह से जब उन्होंने फर्दर इसको कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम हाई वोल्टेज क्या हो गया, और इस तरह से इसको इसके साथ कनेक्ट करके यहां पे एक छोटा सा की भी लगाया होगा, और उस की के साथ फिर इसको क्या किया, कनेक्ट किया। तो इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट थी, जैसे ही आपने इस स्विच को ऑन किया होगा क्या हुआ होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा टर्मिनल कैसा हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये पूरा का पूरा टर्मिनल कैसा हो गया होगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा। अब अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आप दीजिएगा तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, और ये अगर चार्ज होंगे तो जो गैस उसके अंदर प्रेजेंट है वो भी आयनाइज करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये जो गैस इसके अंदर प्रेजेंट था ये क्या करने लग गया, आयनाइज करने लग गया, लेकिन ये जो गैस आयनाइज हुआ है इसके लिए जो टेम्परेचर, जो आपको पोटेंशियल देना पड़ रहा था, ये मोर देन 20,000 वोल्ट था। कितना वोल्ट था, मोर देन 20,000 वोल्ट। लेकिन आप सोचिए 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल किस जमाने में, 1870 में प्रोड्यूस करना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। अगर एक बार कर लेगा साइंटिस्ट तो उसको फिर 5 साल लग जाएगा या 2 साल लग जाएगा फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में। तो इसीलिए पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे उनके संसाधन कम थे, तो एक एक एक्सपेरिमेंट करने में उन लोगों को 5 साल 10 साल 15 साल। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि जे.जे. थॉमसन किस ईस्वी में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, 1885, और पता है इलेक्ट्रॉन ढूंढने का श्रेय उनको कितने साल में मिला है, 1897 में। तो स्टार्ट कब किए, 1885, और ढूंढे कब, 1897, कितना साल, 12 साल लग गया खाली उनको इलेक्ट्रॉन ढूंढने में। तो पहले के टाइम पे ये जो प्रक्रिया थी, क्योंकि संसाधन की कमी थी इसलिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ काम होता था, पैसा भी उतना ज्यादा नहीं होता था, गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करती थी। आज के दिन में आप देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, 2014 से पहले जो रिसर्च स्कॉलर मतलब जो पीएचडी करते थे उनको मात्र 10,000 से 12,000 रुपया स्टाइपेंड मिलता था। अगर किसी को 10-12 हजार रुपया स्टाइपेंड मिलेगा वो क्यों रिसर्च करेगा, और क्या पैसा से रिसर्च करेगा, 10-12 हजार में क्या होगा। 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ा के कर दिया 35,000, और अब पर स्टूडेंट को 45,000 स्टाइपेंड मिलता है अगर आप जीआरएफ हैं, और अगर आप एसआरएफ हैं तो 75,000 आपको मिलता है। 75,000 अगर आप किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को हर महीना दीजिएगा तो क्यों नहीं रिसर्च करेगा, वो मजे में रिसर्च करेगा, वो जो जो ढूंढना होगा सब ढूंढेगा, वो जहां पैसा लगाना होगा वहां लगाएगा, प्लस 2 लाख रुपया जेरोक्स कराने के लिए दिए, पर 1.5 लाख रुपया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए देते हैं। अब आप सोचिए इतना इतना पैसा अगर किसी विद्यार्थी को मिलेगा वो क्यों नहीं रिसर्च करेगा, रिसर्च करेगा ही करेगा। आप उसको कहिएगा सब अपने पैसा से करो तो बोले हम काहे करेंगे, छोड़ो भाई हमको नहीं पढ़ना है। तो इसलिए पहले के तुलना में आज के दिन में पीएचडी क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी। तो रिसर्च करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो यह सब जो भी रिसर्च होता था ये काफी टाइम टेकिंग भी होता था और काफी मनी ओरिएंटेड भी होता था। तो एक एक एक्सपेरिमेंट करने में इनको 10 साल 15 साल लग जाता था। तो इन्होंने पता किया कि 20,000 वोल्ट में गैस आयनाइज हो रहा है। अब कहा कि ऐसा अगर हम कुछ कर सकते हैं क्या जिससे ये जो पोटेंशियल है इसको भी कम कर दिया जाए और जो गैस है वो फिर भी आयनाइज हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब में एक ग्लास ट्यूब में उन्होंने एक इस तरह का नॉब लगाया, और ये नॉब का काम क्या था, ये वैक्यूम क्रिएट करने का काम किया। इसका काम था टू क्रिएट वैक्यूम। ये वैक्यूम पंप है, इसको क्या बोलते हैं,
वैक्यूम पंप बोलते हैं। वैक्यूम पंप होगा तो यहां से जो गैसेस हैं उसको क्या कर लेगा, निकाल लेगा, और यहां का प्रेशर क्या कर देगा, लो कर देगा। प्रेशर लो होगा तो जो गैस इसके अंदर प्रेजेंट थे वो अब पहले की तुलना आसानी से आयोनाइज हो जाएंगे, कि लो प्रेशर में जो टकरा माने जो रुकावट उनके रास्ते में आ रही थी आयोनाइजेशन के, जो पार्टिकल्स इस एंड से इस एंड ट्रांसफर हो रहा था उसकी आयोनाइजेशन को प्रोसेस को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ गैस। इसकी वजह से जो पहले आपका पोटेंशियल 20,000 वोल्ट था इसको घटा के इन्होंने क्या कर दिया, दे हैव रिड्यूस्ड द पोटेंशियल फ्रॉम 20,000 नहीं ग्रेटर देन 20,000 टू लेस देन टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000 वोल्ट। कितना कर दिया, 10,000 वोल्ट के बराबर कर दिया। 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी क्या कर ली, पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने बचा लिया बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। यही मेन कारण था जिसकी वजह से जे.जे. थॉमसन या इस तरह के साइंटिस्ट जो उनके बाद आए उन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंटल जो ट्यूब था इसी ट्यूब को यूज करके अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें एक और लाइन ऐड कीजिए, राइट, ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब विच इज सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब, ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब विच इज सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब, सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना था 60 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना था 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के बराबर का आपको क्या लिया उन्होंने 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट इज अ सील्ड एट बोथ एंड, इट इज सील्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड पर उन्होंने इसको क्या कर दिया, सील्ड कर दिया। इट इज सील्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पर क्या है, सील्ड है। इट इज सील्ड एट बोथ एंड्स एंड फिटेड विथ टू मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड फिटेड विथ टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, जिसमें एक को नेगेटिव चार्ज और एक को पॉजिटिव चार्ज ऐसा बोला गया, एक को नेगेटिव चार्ज और एक को पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने नाम दिया एनोड और जो नेगेटिव चार्ज था उसको हमने नाम दिया कैथोड। जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज वाले को कैथोड और पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड, ऐसा हमने नाम दिया। डन, दिस इलेक्ट्रोड्स, लिखिए दिस इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, दिस इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज वाइल द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। मैंने यहां पे बनाया वैक्यूम पंप, वाइल द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर इन साइड इट, हाई वोल्टेज वाइल द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम ट्यूब, वाइल द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, while the tube is connected to the vacuum pump, while the tube is connected to the vacuum pump, in order to reduce the pressure inside it, in order to reduce the pressure inside it, in order to reduce the pressure inside it, ऐसा करने पर क्या क्या चीजें देखी गई उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ना उसके नीचे ये ट्यूब जरूर बना लीजिए, इसके नीचे ये ट्यूब को जरूर आप बना लीजिए। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप ट्यूब को बना लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। अब आगे लिखिए ऑब्जर्वेशंस, अब आगे लिखिए ऑब्जर्वेशंस। अंडर नॉर्मल प्रेशर 1 atm, अंडर नॉर्मल प्रेशर, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, अंडर नॉर्मल प्रेशर ब्रैकेट में लिखिएगा 1 atm, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड अंडर नॉर्मल प्रेशर, ब्रैकेट में लिखिए 1 atm, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड इवन अप्लाइंग
a high voltage of 10 to 20,000 volt. A high voltage of 10 to 20,000 volt. कुछ दिखाई नहीं दिया साइंटिस्ट को 10,000 to 20,000 volt. 10,000 से 20,000 volt भी जब उन्होंने अप्लाई कर दिया नॉर्मल प्रेशर पे तो भी साइंटिस्ट को कुछ भी दिखाई नहीं दिया. पॉइंट नंबर टू, द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वॉज स्लोली रिड्यूस्ड बाई द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वॉज स्लोली रिड्यूस्ड बाई द वैक्यूम पंप. When the pressure was reduced to 10 raised to the power minus 2 atmosphere, 10 raised power minus 2 atmosphere का क्या मतलब होता है? 1 by 100 atm, यानी 1 atm pressure का 100th part, 1 atm pressure का 100th part, जब आपने उतना pressure कम कर दिया, the gas was found to emit light. 10 रेस पर माइनस 2 यानी 1 by 100 atm, 10 रेस पर माइनस 2 मतलब 1 by 100 atm, the gas was found to emit light. तब पहली बार हमको क्या दिखाई दिया? लाइट चमकता हुआ दिखाई दिया. और लाइट कब चमकता हुआ दिखाई देगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए. लाइट जब तब चमकता हुआ दिखाई देगा जब आप इसके पीछे ये जो ट्यूब है इसके पीछे आप क्या करेंगे, इसके पीछे आप फ्लोरोसेंस लगाएंगे. इसके पीछे क्या लगाएंगे? फ्लोरोसेंस. और फ्लोरोसेंस की खास बात होती है कि जब कोई चीज जाकर उस पर टकराता है तो वो चमकती है. कोई चीज जाकर जब उस पर टकराएगा तो वो क्या करता है? चमकता है. तो ये जो चमकने वाली बात है ये तभी होगा जब आप इस फ्लोरोसेंस मटेरियल को यहां पर लगाइएगा, उस पर जाके कोई पार्टिकल टकराएगा और टकराएगा तो वो चमकेगा. और चमकने का मतलब क्या है? चमकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टिकल इस एंड से इस एंड या फिर इस एंड से इस एंड पहुंच चुका है तभी ना वो चमकेगा. तो वो वहां पे चमक आपको दिखाई दे. द कलर ऑफ द लाइट, आगे लिखिए उसी पॉइंट में, एंड द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. और उसमें जब हमने एक हीलियम गैस लिया था तो वहां पर जो कलर देखने को मिला वो अलग था. जब हमने उसमें नियोन गैस लिया तो कलर अलग था, एंड सो ऑन. वो कलर अलग अलग क्यों है इसको पढ़ने के लिए भोर मॉडल का आपको इंतजार करना होगा. जब हम भोर मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे ठीक भोर मॉडल के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम. एंड दूसरा एक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का नाम सुने है ना आप? स्पेक्ट्रम जरूर सुने होंगे. जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से जाके टकराता है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. The white light and this phenomenon is called as dispersion of light. Splitting of white light into 7 different color is called as splitting of light. और इससे जो spectrum बनता है that is called as spectrum of light. तो वहां पे absorption spectrum होता है और emission spectrum होता है. तो वो जब concept पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज colorful कैसे होती है. तो उस time तक का आपको इंतजार करना होगा पर वो colorful हुई. Point number 3, the emission of light ceases मतलब रुक गया, खत्म हो गया. The emission of light ceases when the pressure was reduced to 10 raised power minus 4 atm. कह रहा है कि ये जो प्रेशर है 10 raised power minus 4 atm जब आप लेके गए तो लाइट जो है वो अब बनना बंद हो गया. अब और लाइट नहीं दिखाई दे रही थी. But the walls of the discharge tube started glowing. तो ये देखा गया कि आप पीछे फ्लोरोसेंस मटेरियल जब यूज करते हैं दीवाल पर तो कोई भी चीज जब आके टकराएगी तो वो कैसा होगा? कलरफुल हो जाएगा. ठीक है. और जो मटेरियल आपने इसके पीछे लगाया उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस लिखते हैं. स्पेलिंग लिख रही है फ्लोरोसेंस, एफ एल यू ओ आर ई एस सी ई एन सी ई, एफ एल यू ओ आर ई. हाँ हाँ, ये जो लगाए हैं दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस.
और फ्लोरोसेंस मटेरियल में जब कोई पार्टिकल आके टकराता है तो वो चमकता है. एफ एल यू ओ आर ई एस सी ई एन सी ई फ्लोरोसेंस, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस. दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस. अब इस पर्टिकुलर जो हमारा ये जो पर्टिकुलर हमारा थ्योरी था इसको अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. ये थ्योरी के बारे में और जो लिखे हैं इसको अब हम मिटा देते हैं ताकि अब हमारी थ्योरी. तो अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जब आप देखिएगा तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अब आपको ये तुरंत तुरंत समझ. अपने आप गैस नहीं जलने लगा. गैस में जब गैस जब टकराई ना आपस में, जब गैसेस टकराने लग गई तो फिर वो क्या हुआ, ग्लो करने लग गया. तो क्या हो गया, ग्लो करने लग गया. ठीक है. टेन डेज पर माइनस फोर का दिए, जब टेन डेज पर माइनस फोर का दिए तो फिर उसका टकराना बंद हो गया. क्योंकि जब इतना लो प्रेशर कर दिए कि अब गैस के पार्टिकल उसके अंदर बचे ही नहीं, गैस के पार्टिकल ही नहीं बचेंगे तो आपस में टकराएगा कैसे, तो फिर वो फर्दर टकराना बंद हो गया. अब गैस के पार्टिकल आपस में नहीं टकरा रहे थे, गैस के पार्टिकल जाके कहां टकरा रहे थे, पीछे दीवार में टकरा रहे थे. तो वहां पे फिर ग्लोइंग स्टार्ट हो गई. पहले जब प्रेशर थोड़ा मीडियम टाइप का था तो गैस गैस से टकरा रहा था और वहां से ग्लोइंग स्टार्ट हो रही थी. गॉट इट. तो ये जो लास्ट अभी हमने देखा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखें. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बात किया. ये यहां पे एक अमीटर लगाया, यहां वैक्यूम पंप है, ये ऑलरेडी आपने इस डायग्राम को बना दिया है. डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे या ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब या क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब. तो अब ये नाम जो यहां पे इसने क्रुक्स लिखा है, मेरे ख्याल से ये नाम अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाम आया कहां से. ये क्लियर है कि नाम ये कहां से आया. मूविंग टू दी नेक्स्ट पेज, जहां पर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं. तो उसी के आगे कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको फिर देखते हैं. अभी वही जो कहानी सब उन्होंने लिखे थे ना, वही कहानी सबको ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. उसी कहानी सबको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. तो देखिए यही कहानी को थोड़ा देखिए, ये लिखे कहानी है. डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, तो ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब. इट इज अ सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास दैट इज फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द बैटरी. द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब वाज सब्जेक्टेड टू अ वेरी लो प्रेशर ऑफ 10 एंड इट मेंटेन्ड एट वैक्यूम पंप हाई वोल्टेज ऑफ दिस टू जनरेट द कैथोड ट्यूब. व्हाई इज लो प्रेशर रिक्वायर्ड, तो उसने पूरा कहानी बताया है जो मैंने अभी आपको समझाया कि लो प्रेशर रिक्वायर्ड क्यों था. उन्होंने कहा एट लो प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैस विद इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज लेस, देयर बाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैथोड रे विल एक्सपीरियंस वेरी लेस नंबर ऑफ कोलिजन विद द आयोनाइज्ड पार्टिकल. तो अंदर कोलिजन क्या होगा, कम हो जाएगा. गैस और गैस के बीच का कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जाके टकराएंगे, उस वाले सरफेस पर जाके टकराएंगे. और इससे हमें पता चला. तो ये पूरी कहानी हमें समझ में आई जिसके बारे में मैं अभी आपको समझा रहा था. अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में हेडिंग डालिए. आप अपने बुक में हेडिंग डालिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. हेडिंग डालिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. तो यहां पर जाके हमने क्या कंप्लीट कर लिया, क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट देख लिया. अब आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. हेडिंग डालिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. अब जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप है. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन. तो आप लिखें, ये तो वो सेटअप तैयार किया था जिस सेटअप को यूज करके, नहीं ये बस ये देखना चाह रहा था कि गैस कब आयोनाइज होता है, माने कैसे हमें पता चलेगा. उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यूज करके जे.जे. थॉमसन, जेम्स चैडविक, इन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन को पैदा किया. गॉट इट. तो हेडिंग आप डालिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहां तक रखते हैं आज की क्लास में. अगली क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे,
पढ़ेंगे। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट किसको गया है, जे जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट दिया है जे जे थॉमसन। साल कौन सा है, 1897। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1885। कितने साल लग गए, 12 साल लग गए। 1874 में इलेक्ट्रॉन नाम ऑलरेडी दे दिया गया था, किसने दिया था, जी जे स्टोनी ने दिया था। ये सब कहानी थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेटिंग बैठता जा रहा है ना, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे कैसे कहानी। ये कहानी को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग को कहां तक लेके जाना है, 1945 तक लेकर जाना है। इसी साल इसी चैप्टर में ये कहानी को हम लोग को लेके जाना है, सॉरी 1935 तक लेके जाना है। 35 के बाद फिर क्लास 12th में इसके आगे का कहानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से स्टार्ट होगा, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर क्या है, 11, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। 1835 से लेकर मॉडर्न फिजिक्स जब चालू होता है, वो सारी कहानी फिर क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहां पर ज्यादातर क्या कहां तक का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स, माने क्लासिकल एरा में जो पढ़ाई हुई, प्लस जो लड़ाई हो रही थी दोनों साइंटिस्टों के बीच में, और थोड़ा सा इनिशियल फेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जहां पर डी ब्रोगली आए और उन्होंने बताया कि नहीं तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, और उसके बाद कहानी और आगे लेकर गए। तो वहां तक की पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।